हाय दोस्तों, मुझे पता है कब्ज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन घबराओ मत। कब्ज की समस्या से बहुत से लोग जूझते हैं और यह एक आम समस्या है। ये आपके डेली रूटीन को प्रभावित कर सकता है और आपको असहज महसूस करा सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताएंगे जिनसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम इसका इजी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। चाहे कब्ज कितना भी पुराना क्यों ना हो, सबसे जरूरी है आपकी डाइट चेंज करना। सही खानपान से आप अपने पाचन तंत्र को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने खाने में कुछ बदलाव करने होंगे। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा डेयरी और हाई फैट फूड्स को अलविदा कह दीजिए। ये चीजें आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देती हैं और कब्ज की समस्या को बढ़ा सकती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में फाइबर की कमी होती है, जो पाचन के लिए बहुत जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स और हाई फैट फूड्स भी पाचन को धीमा कर सकते हैं। उनकी जगह होल ग्रेन्स, बीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। ये चीजें फाइबर से भरपूर होती हैं और आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाती हैं। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। बीन्स और दालें भी फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारने में मदद करती है। अब एक सुपर घरेलू नुस्खा बताता हूँ। यह नुस्खा बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए थोड़ी सी अजवाइन और गुड़। अजवाइन और गुड़ दोनों ही पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसमें गुड़ मिला दीजिए और रात को सोने से पहले खा लीजिए। यह नुस्खा आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करेगा और कब्ज की समस्या को दूर करेगा। ऊपर से गर्म गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। अजवाइन में थाइमोल होता है, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कब्ज को भगाने में मदद करता है। थाइमोल एक प्राकृतिक तत्व है, जो आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन को बढ़ाता है। इस नुस्खे को रेगुलरली यूज कीजिए और अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को भी ठीक रखिए। नियमित व्यायाम और एक स्वस्थ जीवन शैली भी पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है। योग और ध्यान भी आपके पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं। इसके अलावा आप हर्बल टी का सेवन भी कर सकते हैं। हर्बल टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। पुदीना, सौंफ और अदरक की चाय पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कब्ज से राहत पाने के लिए हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये आपके शरीर को रिलैक्स करते हैं और पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं। गहरी सांसें लेने से भी पाचन तंत्र को आराम मिलता है। अपने दिन की शुरुआत एक फाइबर रिच ब्रेकफास्ट से करें। ऑटमील, फल और नट्स का सेवन आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा और आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। हाइड्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन को सुधारता है। आप एक फूड डायरी भी रख सकते हैं। इसमें आप अपने खाने पीने की आदतों को नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से फूड्स आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इससे आपको अपनी डाइट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। डॉक्टर आपकी स्थिति को समझकर सही उपचार बता सकते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करें और हमेशा हेल्दी और खुश रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्दी रहने के और भी टिप्स पाएं।